गुड मॉर्निंग हम आज बात करने वाले हैं स्लीपर डेंसिटी की कि स्लीपर डेंसिटी क्या होती है और क्यों इसका हम लोग यूज़ करते हैं स्लीपर डेंसिटी नंबर ऑफ स्लीपर टू बी यूज फॉर वन रेल लेंथ एक रेल की जो लेंथ होती है उसमें जो नंबर ऑफ स्लीपर हम लोग यूज़ करते हैं उसको स्लीपर डेंसिटी में काउंट किया जाता है इट इज़ डिनोटेड बाई एन प्लस एक्स इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स प्ले एन प्लस एक्स से वेर एन इक्वल टू लेंथ ऑफ वन रेल इन मीटर एन की जो वैल्यू होगी आपकी एक रेल की लेंथ होती है मीटर के अंदर एक्स की वैल्यू होती है थ्री टू सिक्स दैट मीन जो एक रेल की लेंथ आएगी उसमें आप तीन से लेकर छः स्लीपर हम लोग एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ये डिपेंड करता है आपकी ट्रैक के ऊपर ट्रैक आपका नेरोग गेज या मीटर गेज होगा तो वहाँ की जो वैल्यू होती है वो थ्री से चलती है और जो स्टैंडर्ड गेज तक की वैल्यू होती है वो सिक्स पे होती है दैट मीन ये भी बोल सकते हो आप लोग मीटर गेज नेरो गेज के लिए एन प्लस थ्री यूज़ करते हैं सेकेंड जो आपके पास में बोर्ड गेज आती है उसके लिए एन प्लस फाइव यूज़ किया जाता है और स्टैंडर्ड जो गेज होता है उसके लिए एन प्लस सिक्स का हम लोग यूज करते हैं तो ये स्लीपर डेंसिटी है इसको और आगे सोल्व करेंगे हम लोग एक न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग कि किस टाइप से हम लोग किसी भी एक रेलवे ट्रैक की नंबर ऑफ स्लीपर काउंट कर सकते हैं हमारे तो पास क्वेश्चन है इफ स्लीपर डेंसिटी इज एन प्लस फाइव फॉर बोर्डगेज ट्रैक एक स्लीपर की डेंसिटी है वो एन प्लस फाइव है बोर्डगेज ट्रैक में कैलकुलेट नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड पर किलोमीटर लेंथ ऑफ ट्रैक तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ स्लीपर किस कंडीशन में एक किलोमीटर लेंथ की ट्रैक जो ट्रैक है उसमें जो रेलवे की जो लेंथ है वो आपकी पर किलोमीटर है मतलब एक किलोमीटर में कितने स्लीपर हम लोग यूज़ करने वाले हैं तो सॉल्यूशन की बात है लेंथ ऑफ वन रेल हमको पता है कि एक रेल की लेंथ 12.8 मीटर होती है कंडीशन आपकी रहेगी आपके पास ट्रैक कौन सा है तो हमारे पास जो बोर्ड गेज ट्रैक है उसमें एक रेल की जो लेंथ होती है वो ट्वेल्व पॉइंट एट मीटर होती है तो इसको हम राउंड फिगर के अंदर थर्टीन मीटर एज्यूम करते हैं तब स्लीपर डेंसिटी का फार्मूला एन प्लस फाइव है एन हमारे पास में थर्टीन है प्लस फाइव तो थर्टीन प्लस फाइव हो गया एटीन तो आपके पास में जो स्लीपर की जो डेंसिटी आई वो एटीन आई है अब हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास में है पर किलोमीटर लेंथ के अंदर कितने स्लीपर आएंगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से हम लोग काउंट करेंगे आगे तो हिसाब से हम आगे बात कर रहे थे रेल लेंथ हमारे पास में वन किलोमीटर की दे रखी है तो जो रेलवे की एक बोर्ड गेज रेल की जो लेंथ होती है ट्वेल्व पॉइंट एट के हिसाब से हमारे पास में जो वैल्यू आई थी वो एट्टी नंबर आए थे अब वन किलोमीटर इसको हमने मीटर में चेंज किया तो वन थाउजेंड मीटर इक्वल टू जो ट्वेल्व पॉइंट एट के अंदर जो नंबर ऑफ स्लीपर आए थे उसको अपॉन एटीन अपॉन्टमेंट ट्वेल्व पॉइंट एट इंटू वन थाउजेंड इसको कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू हमारे पास सामने आई है फोर्टीन पॉइंट जीरो सिक्स स्लीपर है डेट में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे चौदह स्लीपर आपको एक पर किलोमीटर लेंथ के हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी तो इन बोर्डगेज ट्रैक पर किलोमीटर लेंथ जो बोर्डगेज ट्रैक है उसमें पर किलोमीटर लेंथ के अंदर फोटीन स्लीपर की रिक्वायरमेंट होती है तो इस हिसाब से हम लोग किसी भी एक ट्रैक का नंबर ऑफ़ स्लीपर या उसकी डेंसिटी काउंट कर सकते हैं बट डिपेंड होता है आपका जो रेलवे का ट्रैक होता है मीटर गेज है नेरो गेज है बोर्ड गेज है या स्पेशल ट्रैक है उस हिसाब से हम लोग उसकी जो वैल्यू होती है उस वैल्यू के हिसाब से हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास में नंबर ऑफ स्लीपर कितने आते हैं मैगजिम स्लीपर आपके जहाँ पे कर्व कंडीशन होती है वहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ स्लीपर होते हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है वो डिपेंड करता है आपका जो रेलवे का जो ट्रैक होता है जो कर्व होता है वो किस हिसाब से डिजाइन करा हुआ है ओके थैंक यू